मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अरे किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया जी। अरे भाई ये कौन है भाई, कौन है? और काम मुंह उठा के घर में घुसे चले आए और बैठ भी गए। और ये वैसे का वैसे ही है फूफा जान, तब्दीली है, आते आते ही आएगी, थोड़ा मौका तो देना। अभी बताइए इतना हाफ क्यों रहे हैं आप? तो मेरे पीछे ना जो डाकू पड़े हुए हैं। अरे आपके पीछे, हलीम वाले के पीछे चोर डाकू, उनको क्या मिलेगा यहाँ से? अबे वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो मेरी हलीम इंटरनेशनल है, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्तानिया से ऑर्डर आते हैं मुझे। हाँ लेकिन भूपा जान, ऐसा भी क्या नदीदापन कि भाई हलीम खरीदने के बजाय छीनने के चक्कर में लोग। अरे वो मेरे पीछे हलीम की वजह से नहीं, कुछ कीमती अशिया की वजह से पड़े हैं। अरे वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले इस कीमती चीज को कहीं छुपा दे। अरे अभी छुपाता हूँ। ओह क्या हो गया? ये तो बहुत भारी है। वो कीमती चीज इसी बैग में है, इसको राज रखना है, अगर राज रखने में कामयाब हो गया ना तो जाते जाते तुझे भी कुछ दे जाऊंगा मैं। पप्पा वाकई? अबे जिंदगी बदल जाएगी तेरी। अभी लो। छुपा छुपा छुपा। शाबाश शाबाश। अबे खाया पिया कर। अबे तेरी भैया। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है सुसल जी? आप उनको सब कुछ साफ साफ बता दो। अबे यार कमाल करते हो यार तुम लड्डू, अरे पूरी दुनिया में झूठा मशहूर हो जाऊंगा मैं। सुसल जी कौन सी दुनिया, यही दुनिया है आपकी, और कौन सी दुनिया जानती है आपको? देखो बात सुनो, इंसान की अपनी भी कोई इज्जत होती है यार, बस तुम मेरा साथ दो यार, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन आपका साथ देने में मेरा क्या फायदा है? अबे लड्डू यार, अबे तुझे तो किसी सरकारी महकमे में अफसर होना चाहिए था भाई, हैं? अरे अरे भाई पप्पा के पास कोई कीमती अशिया है जो वो डाकुओं से बचाते बुझाते यहाँ आए हैं, और मुझे कहा है कि जाते वक्त तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे के जाऊंगा, तो जो हिस्सा मुझे मिलेगा वो उसमें से तुम भी कुछ ले लेना यार। हाँ अब सोचते हैं ना इस बारे में। हाँ हाँ सोचते क्या यार, बस हाँ करो, ठीक है ना? देखो तंग नहीं करो यार मुझे तुम। तो कहते थे कि तुम्हारे बहुत ठाट माट हैं, मालिक हो तुम, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। नहीं नहीं पप्पा, गंगा सीधी बह रही है, आप असल में उल्टे तैर रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि वो हमारी बीवी है ना तानी, वो जहनी मरीजा हो गई, वो आधी पागल हो गई। आधी? आपने देखा पप्पा जान, अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है ये मुखलिस शोहर। असल मम्मी जान आधी नहीं पूरी पागल हो गई है, एक सुसरी जी है, इन्हीं को उम्मीद है कि वो आधी पागल हुई है, एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी। असल में वो सारे मर्दों को नौकर समझती है, और डॉक्टर ने हमसे ये कहा है कि इनकी हर बात माननी है। और तो और सुसर जी ने तो उनको दफ्तर भी खोल के दिया है, जहाँ वो ये समझ के जाती है कि वो रोज ऑफिस जा रही काम करने। हाँ और कभी कभी तो वो मर्दों पर कातलाना हमला कर देती है। भाई अच्छा किया तुमने सब कुछ मुझे पहले बता दिया। हाँ
चाय पी, चाय पी, मुश्किल हालात है भाई, चाय पी। छोड़िए, रखिए इसे, हर वक्त टीवी देखते रहते। ये बताइए कि किचन की लिस्ट बना ली या नहीं? भाई वो गुलाम वो अरे 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 पुप्पा जान, कितने सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हम नौकरों की जगह जमीन पे ही है। नौकर? मैं समझी नहीं। अरे तुम कहाँ समझोगी, जो रहने दो बस। अच्छा ये बताइए कि कैसे आना हुआ? वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तुम बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ, भली चंगी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भैया अखलाकन पूछना है भाई। अच्छा 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 अच्छा, पप्पा जान आप सोफे पे तशरीफ रखिए ना, ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाई खुद से कह रही तो मान लीजिए ना। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ पक्की बात है? हाँ हाँ मसला नहीं, आप बैठिए, खुद कह रही है, बैठिए, खत्म। और सुनाए, सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत ही है। अरे बहुत कीमती चीज है, जिंदगी बन जाएगी हमारी। अरे तू आ जा, बस एक बार आ जा, सामान लेके निकल जा, हिस्सा आधा आधा कर ले। देख जल्दी आ जा, देर ना करना, जल्दी आ। हनी कुछ सोच रहा था, सोच रहा था कि तुम्हें कोई तोहफा दूं। रहने दो, उसके लिए भी पैसे तो मुझसे लोगे। अरे नहीं नहीं, इस मर्तबा अपने पैसों से। अपने पैसों से? तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? आए नहीं, आने वाले। कहां से आने वाले? कहीं ऐसे तो नहीं कि तुमने कहीं जॉब शुरू कर दी हो? इसमें दूसरी नौकरी का कहां से सवाल पैदा हो गया? अरे भाई ओ मैं आता हूं, मैं आता हूं, मैं आता। अरे सुनो लड्डू, अबे इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ी देर तो रुक जाता। अबे तुझे बुलाया ही ऐसे था, मैं तो उठता भाग गया। आखिर माल का सवाल है यार। वो तो ठीक है, मगर अभी मम्मी जी घर पे हैं, थोड़ी देर में मम्मी जी ऑफिस के लिए निकलेंगी, उसके बाद में कोई बहाना बनाकर ससुर जी को घर से बाहर भेज दूंगा, उसके बाद पप्पा जी का सामान पकड़ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता तू चोरी कैसे करेगा? वो तो मैंने सोचा नहीं। ये ले। अबे ये क्या है? अबे ये है बेहोशी की दवा, समझा? थोड़ी सी पप्पा की चाय में मिला दियो, पप्पा बेहोश, सामान छप्पर कर लेंगे। हाँ ये सही आइडिया है, जैसी मम्मी जी ऑफिस जाती है ना, मैं ससुर जी को बाहर भेज दूंगा, उसके बाद फुप्पा की चाय में ये दवाई डाल के फुप्पा जी बेहोश और सामान हमारे हाथ में। तू जाइयो मत, यही रहियो, समझ गया? मैं यहाँ छुप रहा हूँ, चल चल चल। अरे भाई फिर क्या था, मेरा कारोबार बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों तक पहुंच गया भाई, अब तो हमारी शाखें यूरोप और अमेरिका में खुल रही हैं। बयान आपकी तरक्की देखकर तो बड़ी खुशी होती है। अरे तरक्की तो गुलामिया तुमने भी बहुत की, ये बंगला ये शानो शौकत, बस इस पागल की वजह से नौकरों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पागल? कौन पागल? खैर खैर खैर, ये बताइए खाने में क्या खाएंगे आप? ससुर जी आज मैं अपने हाथों से फूफा जान के लिए चाइनीज बनाऊंगा। चाइनीज? ये चाइनीज तुम बना रहे हो जो हर तरफ नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं फूफा जी, मैं उन चाइनीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चाइनीज खाने के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब तक ससुर जी बाजार से जाके चाइनीज खाने का सामान लेकर आते हैं, तब तक मैं आपको एक अच्छी सी गर्म गर्म चाय पिलाता हूँ, वो भी अपने हाथों से। अच्छा, लड्डू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ और वहीं पर लेकर आ जाओ। ग्रीन टी तो मुझे ही पसंद है।
देख लिया। आप बैठे हैं ना? हाँ। बस बैठे रहिए, मैं भी आता हूँ। बैठे रहिए। क्या बन गया इस फैमिली का? थोड़ी और डाल देता हूँ। आके पुट्ठा पिए, पीती टोन हो जाए और उसके बाद उसके सारे सामान पे हम कब्जा कर लेंगे। पप्पा जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अच्छा, रखो बेटा रखो। फोन छोड़िए, चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म ठंडी हो जाएगी। एक फोन करके आता हूँ, यहाँ सिग्नल सही नहीं आ रहे, तो फिर चाय पीता हूँ। चाय रहे। हेलो हेलो, कहाँ जा रहा है ये बुड्ढा चाय छोड़कर? चाय पी ले। ओहो, लड्डू से कहा था कि ग्रीन टी बना के मेरे कमरे में दे जाना, वो चाय बना के यहाँ रख गया। चलो अब देर हो रही है, चाय पी लेती। है कैसी अजीब सी चाय बनाई है। क्या हो रहा है मुझे, सर चकरा रहा है। अरे 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 लड्डू, अरे गुलाम, अरे जल्दी से आओ, कोई मदद करो, ये तो फिर से दौरा पड़ गया। अरे सुसर जी, अरे सुसर जी, मम्मी को फिर दौरा पड़ गया सुसर जी। अरे क्या करें, ओह कमरे में सुसर जी। अरे कमरे में ले चलो, कमरे में। भाई गुलाम, मेरा ख्याल है कि तानी को किसी पागल खाने में दाखिल करवा दो, इसके दौरों में शिद्दत आती जा रही है। पागल खाने, दौरे, क्या मतलब? नहीं नहीं, वो असल में वो ये कह रहे हैं कि वो जो आपका ऑफिस है ना, वो ऑफिस नहीं है बल्कि एक पागल खाना है। आप जाती हैं आती हैं, इतना काम करती हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, ये मतलब है। अरे नहीं नहीं भाई, सच तक बताओ ताकि वो अपने दिमागी इलाज के लिए तैयार हो। अच्छा, वो क्या? देखो तानी, मुझे गुलाम ने सच सच बता दिया है। पर देखो, तुम्हारी दिमागी हालत से सिर्फ तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, ये तुम्हारा गुलाम और तुम्हारा दामाद दोनों अजियत में है। अच्छा, तो ये बात है। और क्या बताया इन्होंने? यही कि तुम्हारी दिमागी बीमारी की वजह से इन दोनों को नौकरों की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अब अगर तुम अपना इलाज करा लो तो इन दोनों को भी सकून आ जाएगा। गुलाम, गुलाम, अरे गुलाम, अरे गुलाम,
क्या हुआ क्या हुआ फूफा क्या हुआ? अरे वो मेरा कीमती बैग कहीं गायब हो गया है। अच्छा हाँ। बैग हाँ। आपने ढूंढा अच्छी तरह? अरे मैंने हर जगह छान मारा कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचाया है? अरे वो कीमती बैग फूफा का कहीं गायब हो गया, ढूंढ ले, तू ढूंढ ले जाके। मैं ढूंढू? अच्छा अच्छा हाँ मैं कुछ करता हूँ। अगर बैग नहीं मिला तो क्या होगा? कीमती बैग है। सर जी नहीं मिला। ओ भाभी अब क्या होगा, बैग नहीं मिला तो कयामत आ जाएगी। अरे फूफा जान अब तो बता दे कि उस बैग में आखिर ऐसा क्या था? उसमें उसमें बम था। अच्छा अच्छा बम। मैं दहशत गर्दों से लेकर भागा था, वो मेरे पीछे भागे, मैं यहाँ आके छुप गया। अरे यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाके जमा कराना था मैंने। अरे अब तो क्या होगा भाई, बैग नहीं मिलेगा तो। हेलो मुजम्मिल, वो बैग तूने उठाया ना? देख मेरी बात गौर से सुन, उस बैग को। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।